सीएम शिवराज ने भोपाल में छात्रों के साथ योग किया। इसी दौरान सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि एमपी में योग आयोग बनेगा, स्कूल में भी योग की शिक्षा दी जाएगी। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि योग करने के लिए रोज 40 मिनट जरूर निकालें। तो देखिए, छात्रों के साथ योग किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और अभी संदेश भी उनका आपने सुना। जिस तरीके से उन्होंने संदेश दिया कि योग से निरोग कैसे रहा जाए और मन को किस तरीके से प्रसन्न रखा जा सकता है योग से, वो उन्होंने बताया। पूरी एक आसन की तालिका बना सकते हैं कि प्रतिदिन हमको कौन कौन से आसन करने चाहिए। मैंने भी एक सूची बनाई आसन की, जो मेरे अनुकूल है वो आसन मैं करता हूँ। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था बहुत भयानक 98 में, तो मेरा शरीर 8 जगह से टूटा हुआ है, प्लेटें डली है, लेकिन इसके बाद भी कोई इसलिए कुछ आसन करने में मुझे उसके कारण दिक्कत होती है। लेकिन आज आपको लगता नहीं होगा कि मेरा शरीर 8 जगह से टूटा हुआ है। एक 98 के दिन थे, मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं चल भी सकता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मेरी पहली अपील है कि हम दिन एक दिन योग का नहीं है ये, कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो आज योग कर लें। मेरे बेटा बेटियों, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमको इतना समय निकालना चाहिए कि हम 40-45 मिनट रोज अपने शरीर को दें। ये शरीर मंदिर है, इसी के माध्यम से तो हम सब काम करेंगे। हम बाकी सब करें और शरीर के स्वास्थ्य के लिए ही काम नहीं करें स्वस्थ रहने के लिए, तो फिर मतलब क्या है बेटा बेटियों। और इसलिए पहला संकल्प आज ये कि हम योग एक दिन नहीं, साल में रोज करेंगे। आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि हम मध्य प्रदेश में योग आयोग बना रहे हैं। योग आयोग बनेगा मध्य प्रदेश, उसकी पूरी तैयारी कर ली है, और स्कूलों में भी योग की शिक्षा बच्चों को दी जाएगी।